बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। खनन के काले खेल में कई आईएएस अफसर फंस गए हैं। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी इन नौकरशाहों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सीबीआई की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ईडी ने सहारनपुर के जिलाधिकारी रहे पवन व अजय सिंह के साथ ही 11 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। अब जल्द ही इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, यानी कुल मिलाकर इन नौकरशाहों पर सीबीआई व ईडी का शिकंजा कस गया है। खनन करने वाले माफियाओं ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर भौतिक संपदा का जमकर दोहन किया है। इस धंधे में मोटी कमाई होने के कारण कई रसूखदार लोग भी इसमें लगे हुए हैं। रात के अंधेरे व स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से होने वाले इस अवैध खनन को रोकने के लिए कागजी कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन उस कार्यवाही को धरातल पर नहीं लाया जाता। यही कारण है कि खनन माफियाओं के हौसले हमेशा से ही बुलंद रहे हैं। खनन के पट्टे देने में भी जिलाधिकारी, राजस्व विभाग व मंत्रालय की भी खासी दिलचस्पी रहती है। यही कारण है कि इसकी कार्यवाही की जद में स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम भी सामने आ चुका है। भाजपा की सरकार बनने के बाद अवैध खनन करने वाले विरोधियों पर खासा शिकंजा कसा गया है। गत 30 सितंबर को सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज कर 1 अक्टूबर को सहारनपुर व लखनऊ समेत 11 स्थानों पर छापेमारी की थी। भ्रष्ट आचरण के इस खेल में आईएएस अफसर बी चंद्रकला का नाम भी खासा सुर्खियों में आया। उनके निवास पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा बुलंदशहर के जिलाधिकारी अभय सिंह के आवास पर सीबीआई ने छापा मारा, जहां से टीम को करीब 87 लाख रुपए कैश बरामद हुए, जिसे गिनने के लिए टीम को मशीन मंगानी पड़ी। हालांकि बाद में अभय ने प्रेस को बताया था कि उनके पास से कोई अघोषित संपत्ति बरामद नहीं हुई और जो धनराशि मिली थी उसका हिसाब भी उन्होंने टीम को दे दिया है। दरअसल फतेहपुर में तैनाती के दौरान अभय सिंह पर अवैध खनन में लिप्त होने का आरोप है। 30 सितंबर को सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज कर 1 अक्टूबर को सहारनपुर और लखनऊ समेत 11 स्थानों पर छापे मारे गए थे। इसी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज करने के लिए अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय से अनुमति मांगी थी। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में 2 आईएएस अधिकारी अजय कुमार सिंह और पवन कुमार को नामजद किया गया है। दोनों ही पूर्व में सहारनपुर में जिलाधिकारी के पद पर तैनात रह चुके हैं। एफआईआर में उन 2 पूर्व जिलाधिकारियों को पट्टों के आवंटन में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। इन 2 आईएएस अधिकारियों के अलावा पट्टा धारकों में महमूद अली दिलशाद, मोहम्मद इनाम, नसीम अहमद, अमित जैन, विकास अग्रवाल निवासी देहरादून, मोहम्मद वाजिद, मुकेश जैन और पुनीत जैन को भी नामजद किया गया है। इस मुकदमे में महबूब आलम भी नामजद हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। आरोपियों में अधिकतर सहारनपुर मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि सहारनपुर में 2012 से 2015 के बीच नियमों की अनदेखी कर जिलाधिकारी द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए 13 खनन पट्टों का नवीनीकरण कर दिया गया है। इसमें ई टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर 4 जिलों में हुए अवैध खनन घोटाले की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन तलाशने के लिए एफआईआर दर्ज कर चुका है। इन मामलों में अजय और पवन को लेकर अब तक 8 आईएएस अधिकारियों को नामजद किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व में हमीरपुर के मामले में एफआईआर दर्ज की थी और बी चंद्रकला समेत कई लोगों को नामजद किया था। इसके बाद फतेहपुर और देवरिया के मामलों में भी 5 आईएएस अधिकारियों को नामजद किया जा चुका है। एक मामला कौशाम्बी का दर्ज किया गया है, लेकिन उसके किसी आईएएस अधिकारी को नामजद नहीं किया गया है। बी चंद्रकला, अजय और पवन के अलावा फतेहपुर के जिलाधिकारी रहे अभय, देवरिया के जिलाधिकारी रहे विवेक, देवरिया में अपर जिलाधिकारी रहे देवी शरण उपाध्याय, विशेष सचिव खनन संतोष राय और प्रमुख सचिव खनन रहे जीवेश नंदन का नाम शामिल है। देवरिया और फतेहपुर में दर्ज मुकदमों में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति भी नामजद हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन खनन माफियाओं के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। बाराबंकी रामनगर क्षेत्र में रात के अंधेरे चल रहे मिट्टी के अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 जेसीबी कल रात ही पकड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की घेराबंदी के बावजूद खनन करा रहे लोग डंपर समेत मौके से भाग निकले।
समझा जा सकता है कैसे। आज इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।